बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की आरोपी आरती दयाल के बाद अब श्वेता विजय जैन को भी जमानत मिल गई। रहली का नंबर वन पार्लर शिवा मेंस पार्लर, हमारे यहाँ हेयर स्पा, मेकअप फेशियल, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, मसाज, कलरिंग, कटिंग, सेविंग, बाल सेट, बाल वॉश जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो भी आधुनिक मशीनों एवं स्पेशल ट्रेनिंग द्वारा। इंडियन आर्मी के जवानों को 50% और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को 20% की विशेष छूट उपलब्ध है। हमारा पता है महादेव कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, गांधी चौक, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सेवासेन 88-15-29-07-32। दोनों जेल से रिहा हो गई। श्वेता ने रिहाई के बाद कहा कि समय आने पर सब बताऊंगी। वहीं आरती ने कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। हनी ट्रैप मामले की आरोपी दूसरी आरोपी श्वेता विजय जैन को भी जमानत मिल गई। उसे शुक्रवार रात को जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले आरती दयाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वह जेल से रिहा हुई। आरोपी महिला ने बस इतना कहा कि समय आने पर सब बताएंगे। पलासिया पुलिस ने दिसंबर 2019 में नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और आरती दयाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि महिलाओं ने इंजीनियर का असली वीडियो बनाकर 3 करोड़ रुपयों की मांग की थी। हनी ट्रैप केस में तो महिलाओं को जमानत मिल गई, लेकिन CID भोपाल में दर्ज मानव तस्करी का केस सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आरती दयाल की गुरुवार रात रिहाई हुई, जबकि श्वेता जैन को शुक्रवार रात रिहा किया गया। दोनों अपने भाइयों के साथ गए। श्वेता जैन नकाब बांधे जेल से बाहर निकली। उसने मामले को लेकर किसी तरह की बात नहीं की। कार में बैठते वक्त सिर्फ ये कहा कि समय आने पर सब बताऊंगी। इस मामले में आरती दयाल ने भी खुद को बेकसूर बताया। कहा कि मैं झूठे केस में 2.5 साल तक जेल में रही हूँ, इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, मीडिया के सामने बात करने का मौका नहीं मिला, समय आने पर बात रखूंगी। आरती ने कहा कि उसे नहीं पता कि हनी ट्रैप केस क्यों बनाया, जो आरोप लगाए उससे संबंधित सबूत ही नहीं है। इंजीनियर हरभजन सिंह और दोनों श्वेता को पहचानने से भी इनकार किया। आरती ने कहा कि मैंने बुरा वक्त बिताया है और अब इंसाफ के लिए लड़ूंगी। राजनेता और अफसरों के बारे में पूछने पर आरती ने कहा कि प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोल सकती। जेल से रिहा होने के बाद आरती परिवार के पास छतरपुर रवाना हुई। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91-31-25-97-36।